नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं जिस वीडियो पर, तो भाई ये पाकिस्तान के लिए खासतौर पर आया हूं। पाकिस्तान के लोग हर वीडियो में मुझे दिख जाता है करीब करीब कि जी भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जी भारत में ऐसा हो रहा है, जी भारत में वैसा हो रहा है। तो आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जो भारत के टॉप 5 रिचेस्ट इंडियन मुस्लिम्स हैं। तो अगर जुल्म होता, दबाया जाता, उनको राइट्स नहीं दिए जाते, तो ये इतने बड़े मुसलमान कहां से हो जाते? तो चलिए भाई देखते हैं, आप भी देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बागी बॉय आज एक बार फिर से आपका दिल बाग बाग करने के लिए हाजिर हूं। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भारत से अंबानी और अडानी का नाम तो शुमार हो ही चुका है। समय समय के साथ इनके नाम लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, अब गौतम अडानी से पीछे हो गए हैं। आज के दिन अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स हैं। यही कारण है कि भारत दुनिया के अमीरों की मुझे लगता है ये शायद वीडियो पुराना है इसलिए ऐसा है। मुझे लगता है शायद दूसरे सबसे ज्यादा अमीर हो गए ना गौतम अडानी, जहां तक मुझे एलन मस्क के बाद शायद दूसरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो गए हैं दुनिया के लिस्ट में, हमेशा अपनी जगह बनाए रखता है। लेकिन आज हम अंबानी अडानी की कहानी नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर 5 मुस्लिम शख्सियतों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम है अजीम हाशिम प्रेमजी का। जी हाँ, देश के सबसे अमीर मुस्लिम जो देश के सबसे बड़े दानवीर भी हैं। अजीम प्रेमजी के बारे में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते होंगे कि वो मुस्लिम हैं। अजीम प्रेमजी एक टेक कंपनी विप्रो के मालिक हैं। 10 मई 2022 को ब्लूम्सबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के हिसाब से उनकी कुल संपत्ति $28.8 बिलियन यानी 2,22,458 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और वे दुनिया के 40वें सबसे अमीर शख्स हैं। अजीम प्रेमजी को दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिमों में से एक भी माना जाता है। उन्होंने कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा रुपए सरकारी राहत कोष में दान करके देश का दिल जीत लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी आधी संपत्ति गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए दान करने का प्रण भी लिया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं यूसुफ अली अब्दुल कदर, जो एक विदेशी कंपनी लुलू ग्रुप इंटरनेशनल के मालिक हैं। ये कंपनी एशिया, अफ्रीका और यूके में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और सुपरमार्केट ऑपरेट करती है। इनकी कुल संपत्ति $5.65 बिलियन है। इनकी कंपनी का हेडक्वार्टर अबू धाबी में स्थित है। ये ऐसे पहले नॉन अरब शख्स हैं जिन्हें अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर चुना गया है। इस सूची में तीसरे नंबर पर है यूसुफ हमीद, जो भारत की सबसे मशहूर दवाई कंपनी सिप्ला के मालिक हैं। ये एक टैलेंटेड साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। फोर्ब्स के अनुसार इनकी कुल संपत्ति $2.6 बिलियन है। सिप्ला की शुरुआत इनके पिता ख्वाजा अब्दुल हमीद, जो गांधी जी के फॉलोअर थे, उनके द्वारा सन 1935 में की गई थी। यूसुफ हमीद जी दुनिया भर में अपनी संपत्ति से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कि एड्स की दवाएं सस्ते में उपलब्ध करवाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कोविड के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर के सबसे सस्ते जेनेरिक वर्जन को भी इन्होंने तैयार किया है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है डॉक्टर आजाद मुपेन। ये एक बड़ी हेल्थ केयर कंपनी एस्टर डीएम हेल्थ केयर के मालिक हैं। इनकी शुरुआत दुबई में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने से हुई थी और आज ये 18 से ज्यादा अस्पताल, 90 से ज्यादा क्लिनिक और 200 से ज्यादा फार्मेसी के मालिक हैं। हेल्थ केयर की फील्ड में अपने योगदान के लिए इन्हें 2011 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। इनकी कुल संपत्ति $1.5 बिलियन है। इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी नंबर पर आते हैं हबीब खुराकी वाला। ये एक मेडिकल कंपनी वोखार्ड के मालिक हैं। इनकी कुल संपत्ति $1 बिलियन के आसपास है। इन्होंने भी कड़ी मेहनत के बाद जाकर ये सफलता हासिल की है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका बागी बॉय ऐसी ही जानकारियों से आपका दिल बाग बाग करता रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो बहुत बढ़िया वीडियो था और जैसा कि आपने देखा ये टॉप 5 मुस्लिम पावरफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं। तो पाकिस्तान के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप देखिए, और सिर्फ यही 5 नहीं है, इसके अलावा लाखों ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपनी पहचान बनाई है। अब आपने क्रिकेट देखा ही है, आप फुटबॉल में जाकर देखो, आप वॉलीबॉल में जाकर देखो, आप हर जगह जाकर देखो, आप मेडिकल, फार्मेसी, आप इंफ्रा, आप रियल स्टेट, आप बड़े बड़े शॉपिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग जैसा बोलते हो, जैसा दावा करते हो कि जी भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म है, जी बिल्कुल राइट्स नहीं हैं, उनको तो कैद खाने में डाला हुआ है, तो ये इतने पावरफुल नहीं होते ये लोग, इतने बड़े लोग, अमीर लोग नहीं होते।
और जब इनके पास पैसा है, अमीर है, तो ये बात तो कह सकते हैं ना। ये तो दूसरे देश में भी जाकर कह देंगे जी भारत में मुसलमानों को देखिए बिल्कुल राइट्स नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा इनमें से एक, आप चाहे इनको गद्दार कह दो, काफिर कह दो, ये इंडियन है। और इंडिया में रहने वाला हर धर्म का आदमी ये जानता है कि वो इंडियन है। दो चार लोग आपको हर जगह ऐसे मिल जाएंगे। तो फायदा ये है कि यहां पर हमारा देश जो है वो सबको इक्वल राइट्स देता है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको प्रोवाइड कराता है। आपकी तरह नहीं है कि आपके यहाँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि नॉन मुस्लिम जो ये फला 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 जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता, इस पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, ये सिर्फ मुसलमान ही बन सकते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं। तो ये बुनियादी फर्क है। और आप लोग चाहे लाख प्रोपेगंडा करें, अब तो सूचना और तकनीक का जमाना है, अब प्रोपेगंडा भी फैलेगा उससे, लेकिन उसका सच भी सामने आएगा। और सच यही है कि देखिए ये टॉप फाइव मुस्लिम जो है, रिचेस्ट मुस्लिम जो है वो इंडिया के, और बहुत बड़ा नाम है। आज तक इन्होंने कभी नहीं कहा। आपको लगता है कि अगर जुल्म होता, अत्याचार होता, राइट्स नहीं मिलते तो आज तक ये चुप रहते? आप चुप रह सकते हो? आप बताओ, 75 साल से अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा हो, आप चुप रह सकते हो क्या? कभी कभी ना आप कहते हो जी हम तो मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, कभी कोई चुप रहेगा? मुसलमान ही छोड़ो, हम हिंदू हैं चाहे कोई भी हो, एक जुल्म होता है हम चुप नहीं रहते, हम बोलते हैं। लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या फीड किया गया, क्या भरा गया, क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया, ये आप ही लोग बेहतर जानते हो। और मुझे लगता है कि अगर आप कंपेयर करोगे तो भारत के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का मुसलमान सोच में बहुत आगे है, भारत का मुसलमान पढ़ाई में बहुत आगे है, भारत का मुसलमान कारोबार में बहुत आगे है, भारत का मुसलमान साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े मुसलमान, डॉक्टर एपीजे कलाम तो मतलब इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे। तो खैर, अब आपको क्या समझाऊं मैं भारत के मुसलमानों के बारे में, भारत के बारे में। धीरे धीरे आप लोग समझोगे, और जब तक समझ रहे हो समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप लोग कहीं के नहीं रहोगे, अभी ही कहीं के नहीं हो। खैर, तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।